आज भी बॉम्बे जाना है, सीएसटी रिटर्न निकालना है। देखो ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, आ गया मस्जिद स्टेशन। मस्जिद स्टेशन उतरे और यहाँ से मार्केट है चालू। एकता चौक है और यहाँ पे ये चकला रेस्टोरेंट है और यहाँ से सीधा आपको अंदर चले जाना है। ये पूरा मार्केट आप चेक कर रहे ना, ये पूरा मार्केट है। ये सरप्लस का होलसेल है। अभी फिलहाल मैं हूँ शरीफ देवजी स्ट्रीट, सैफरॉन मार्केट है। फिर यहाँ से सीधा आपको आना, ये गुलशन है ईरान, ये आप लैंडमार्क के लिए सेव कर दो। मुसाफिर खान की गली में आ गए हम लोग। ये पूरा रॉ मटेरियल का मार्केट है। शेरवानी के लिए कपड़े, लेपर्ड में कुछ वेरायटी चाहिए रॉ मटेरियल में, ना पॉपकॉर्न का रॉ मटेरियल यहाँ पे वेरायटी आप देखो। यहाँ पे कुछ खाने पीने का जंक्शन है, यहाँ पे भी है कपड़े का। यहाँ पे बाइक बाइक भी है, चेक कर रहे ना। ए अतर वाला, इतनी सारी वेरायटी है उनके पास ड्राई फ्रूट्स में। इधर आप चेक करो, पानी पी लेते थोड़ा। एक किलो कल 10:05 हार्बर लाइन से गोरेगांव जाने वाली 12 डिब्बों की लोकल है। हेलो एवरीवन, तो अगेन एक न्यू ब्लॉग। और आज भी बॉम्बे जाना है, तो अभी यहाँ से मैं बॉम्बे जाऊँगा पहला। और बॉम्बे में कैसा है कि एक होलसेल की वीडियो बनाना है, वो सरप्लस वगैरह जो बैक प्रिंट टी शर्ट्स हो गई, सरप्लस जॉगर्स वगैरह हो गई ना, उसकी वीडियो बनाना है। तो अभी सीधा पहले बॉम्बे जाते हैं, वो भी धोबी स्ट्रीट चकला स्ट्रीट में, चकला रेस्टोरेंट के पास है। तो पहले वहाँ पर जाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है रस्ते में, जो भी होगा तो चेक करेंगे। गोरेगांव स्टेशन भाई, सी एस टी रिटर्न निकालना है और मैं भी जा रहा हूँ चकला स्ट्रीट, और वो भी बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है किड्स फेयर का, रेनकोट वगैरह का। देखो ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। अभी बांद्रा से ट्रेन चेंज करना पड़ेगा और देखिए वहाँ पे लगी है क्या नहीं। भाई 3:41 की 1 मिनट बाकी है, ये दूसरी ट्रेन। अभी बांद्रा से निकलेंगे सीधा मस्जिद के लिए। आ गया मस्जिद स्टेशन, उतर के पहले ही भाग जाने का, नहीं तो जाम हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले आ गया अपन, अभी ये पूरा जाम हो जाएगा। अरे भाई ये भाई आ गया है पहला, और देखे ये मस्जिद स्टेशन उतरे और यहाँ से मार्केट है चालू, और बहुत रश होता है साल भर यहाँ पे। देखिए जूस, देखिए हाँ दिन में देख लो, हमेशा रात में देखे, हाँ दिन में देख लो। अरे गाड़ी आ गया, गाड़ी आ गया भैया, ये देखे हमेशा आप लोग रात में देखते, अब दिन में भी देख लो एक बार। ये देखो ये मस्जिद स्टेशन के पास का मार्केट है, जैसे प्लास्टिक वगैरह का मार्केट हो गया। ये देखे सब हो रहा है, ये देखे ये सूप, ये ज़रा चेक करो ये क्या है। और ये मस्जिद बंदर है, मस्जिद स्टेशन का नाम है। सब चीज़ मिल जाती है होलसेल में, ठंडा पानी ज़रा भी नहीं है। क्या मतलब पब्लिक क्या करती है बाहर, देखो रोड पे पब्लिक है लेकिन दुकानों में नहीं है। भाई खजूरें नहीं लेने का कभी, खुले 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 ना एकदम वो हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। अब देखे ये देखे चूड़ा वेफर भी मिलता है इधर, काजू बादाम पिस्ता सब 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 सब। सब भाई साहब मिलता है, भाई मेहनत इसको बोलते। तुम एसी में बैठ कर वहाँ पे कस्टमर से आड़ी टेढ़ी बात करते हो। देखे ये हमारे अंकल है, सामने देखे वो अपना मोहम्मद अली रोड वाला जो लेन आता है ना, वो ब्रिज है। तो ये साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो मोहम्मद अली रोड, लेफ्ट साइड जाएंगे तो वीटी स्टेशन। देखे गंदा पानी नहीं, बोलो जैकेट अफसर भाई का, उनका वड़ा पाव बहुत बेस्ट होता है, खाते हैं भाई। देखो ओरिजिनल वड़ा पाव मुंबई का, बेस्ट भाई। कितने का था पता है? 15 रुपए का, एक नंबर वड़ा पाव। वाकई में जरूर ट्राई करना, प्राइम फ्रेग्रेंस के जस्ट सामने ही है। वो
रहने वाले के बाजू में, बहुत बेस्ट है। जरा लैंडमार्क के लिए चेक करो, तो देखिए सामने से हम चल के आए, वो स्टेशन से सीधा 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 आना है, कोई लेफ्ट राइट नहीं है। और यहाँ पे आपको ये जकरिया मस्जिद दिखेगी और उसके बाजू में देखिए ये एकता चौक है और यहाँ पे ये चकला रेस्टोरेंट है और यहाँ से सीधा आपको अंदर चले जाना है। और ये पूरा बड़ा मार्केट है, रेनकोट वगैरह का, इसका उसका, फिर होलसेल मार्केट है। तो ये सीधा आपको अंदर चले जाना है, कहीं पे लेफ्ट राइट नहीं, चकला रेस्टोरेंट से आपको लेफ्ट मार लेना है स्टेशन से अगर आप आ रहे हैं तो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, और सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे रुक के चाय पी लूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है, पहले वहाँ पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पे ये आप चेक करें ना, देखिए रेनकोट का भी सीज़न आ रहा है लेकिन बारिश ही नहीं आ रही, इसलिए अभी पब्लिक कम है मार्केट में। यहाँ पे होलसेल प्लस रिटेल, मैक्सिमम होलसेल है लेकिन रेनकोट के लिए रिटेल बहुत है। पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मार्केट है ये रेनकोट के लिए। देखिए और अपने को तो AM गारमेंट ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। देखिए यही लाइन में AM गारमेंट है और ये सब देखिए ये रेनकोट के होलसेलर लोग हैं। रेनकोट वगैरह और भी बहुत सारी भलती चीज़ भी मिलती है यहाँ पे। आएंगे तो आप अच्छे से देखिए, वर्ल्ड फोर किड्स यानी किड्स का होलसेलर है, ये आप चेक कर रहे हैं ना, किड्स का, बॉर्न बेबी का, ये देखिए यहाँ पे। और अपने को तो आज ज़्यादा दूर नहीं, मार्केट तो वहाँ तक है, वो भी आगे जाएंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले अपन ये AM गारमेंट जाते हैं। ये देखिए ये सरप्लस का होलसेल है, जैसे बांग्लादेश क्लोथ होते ना, बांग्लादेश क्लोथ का होलसेल है ये। और देखिए अंदर जैसा कि ये जॉगर्स वगैरह भी आजकल चल रही है ना होलसेल में, डबल पॉकेट। और देखिए ये रेनकोट वगैरह, और देखिए ये यहाँ पे गायब है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये होलसेल है। बाकी अभी यहाँ का वीडियो बनाना है अपने होलसेल चैनल के लिए। और देखिए सामने तक मार्केट है पूरा। देखिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आया था आज, और यहाँ पे सबसे पहले हम का आगाज़ करेंगे वीडियो का चाय से, और चाय तो हमारी फेवरेट है। और यहाँ पे आपको इस तरह के सरप्लस के क्लोथ मिल जाएंगे, जैसा शॉर्ट्स वगैरह हो गया, अगर आपकी दुकान है, आपके किसी जानने वाले की दुकान है तो उसको अगर कुछ सरप्लस में चाहिए, देखिए कॉर्डर पैंट्स वगैरह भी मिल जाती है। तो देखिए भाई हम लोग ने वहाँ पे वीडियो बना दिए, और देखिए ये पूरा मार्केट आप चेक कर रहे ना, ये पूरा होलसेल मार्केट है। उस टाइम पे तो अपन ने रात में देखे थे, और यहाँ पे आप जाएंगे ना तो सब वो अंडरगारमेंट्स वगैरह तो सबका होलसेल है। और देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल, देखे ना ये मैंने उस दिन रात में आपको दिखाया था, अभी दिन में भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गोल्ड, ये भी पूरा रेनकोट वगैरह का होलसेल मार्केट है। और अभी अपन को आगे जाना है सामने, तो देखिए सामने है पत्थर वाली मस्जिद और ये चकला स्ट्रीट है। देखिए ये सब होलसेलर है कंप्लीट, देखिए ना ये मोमो। ये देखिए ये आ रहा है, अफ्रीका से चल के आ रहा है, बहुत थक गया होगा। ये देखिए ये ज़रा आप चेक करें ना, सब रेनकोट का है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे कैसा है कि कुछ कुछ स्टोर में रिटेल भी मिल जाता है और कुछ कुछ में सिर्फ होलसेल होता है। अभी फिलहाल मैं हूँ शरीफ देव जी स्ट्रीट में, और देखिए ये यहाँ पे आप चेक करें ना, ये रिटेल है पूरा। फिलहाल मैं हूँ मोहम्मद अली रोड पे, और अभी मैं आपको यहाँ के रॉ मटेरियल का मार्केट दिखाता हूँ। वो मुसाफिर खाने के पास है ना, गुलशन ईरान होटल, आपने देखे होंगे, वहाँ पे एक रॉ मटेरियल का मार्केट है। तो अभी थोड़ा जाके वो चेक करते हैं। ये जो आप लेन देख रहे हैं पूरा मोहम्मद अली रोड में ही आता है। यहाँ से ये साइड जाएंगे तो आप मीनारा मस्जिद है, ये साइड जाएंगे तो आप अपने को वो आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, VT स्टेशन, वही साइड आपको चलते हुए जाना है। और यहाँ से आपको मैं आगे का पूरा रॉ मटेरियल का मार्केट दिखाता हूँ। तो भाई मार्केट देखने से पहले अपन यहाँ पे पहले शवरमा खाएंगे यहाँ का, उस दिन हम लोग ने खाए थे, बहुत अच्छा था। तो अभी वापस यहाँ का पहले शवरमा चेक करेंगे, और मैं आज आप लोगों को भी बताता हूँ। देखिए ये सेंट्रल रेस्टोरेंट का शवरमा चेक करते हैं आज, तो पूरा जाम है, ऊपर जाना पड़ेगा, जाम है यहाँ पे। देखिए अपना शवरमा आ गया यहाँ पे, फुल लोडेड है, वाकई में बहुत अच्छा है। और अभी इसके साथ पियेंगे अपन चाय, देखना चिकन हो गया, मेयोनीज हो गई, देख सकते हैं अपन। देखिए चाय आ गई अपनी, पानी पी लेते थोड़ा चाय, चाय भी अच्छी थी, शवरमा भी अच्छा था। अब देखिए ये भाई मैं तो नाश्ता करके उतर गया, फिलहाल हम लोग है मोहम्मद अली रोड वाले पे ही है। और देखिए यहाँ पे अलमास परफ्यूम है, अजमल भी है यहाँ पे अजमल, और देखिए ये टॉयस वगैरह आप चेक कर रहे ना। और सामने जाएंगे तो गुलशन है ईरान होटल है, और फिर वहाँ पे कैसा है कि मुसाफिर खाना रॉ मटेरियल वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे अभी जा रहे हैं हम। और देखिए ये, और ये लाइन है ना, थोड़ा सा बहुत परफ्यूम मिल जाता है यहाँ पे, देखिए ये नूर। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी उजाला लग रहा है ना, सब परफ्यूम वाले लाइन से परफ्यूम है, पहली बात। और यहाँ पे आपको टैक्सी मिल जाएगा बोले तो बहुत बड़ी बात है। और रोड क्रॉस करना है हमको, और कोई टेंशन नहीं, करवा देंगे।
लेकिन रुकना पड़ेगा। अगर रुकना भी नहीं है कोई टेंशन नहीं, तो भी रुकना पड़ेगा। फिर भी नहीं रुकना है तो कोई टेंशन नहीं, रोड खाली करवा देंगे। और देखिए यहाँ से ये ज़रा ए ज़रा चेक कर रहे ना। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, ए अतर वाला, इसके पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। देखिए ये ए अतर वाला बहुत परफ्यूम यहाँ पे, यहाँ चेक कर सकते। चलो कुछ और ट्राई करते हैं अंदर जाके, इतनी सारी वेराइटी है। जो ले रहा है विक्टर है। भाई के ले लिए भाई, मैंने वहां से विक्टर लिया हूँ, इनविक्टस बोला था लेकिन उनके पास विक्टर था। और देखे ये इसकी कीमत है 175 रुपीस। और यहाँ पे से अभी हम जाएंगे मुसाफिर खाना। देखो मैं ए अतर वाले के पास से तो आ गया। अब आप लैंडमार्क पकड़ो, ये पीछे देखो ये गुलशन है ईरान है। तो अब मैं आपको यहाँ का रॉ मटेरियल का मार्केट बताता हूँ। रॉ मटेरियल देखे ये सैफ्रन मार्केट है, फिर यहाँ से सीधा आपको आना ये गुलशन है ईरान। ये आप लैंडमार्क के लिए सेव कर लो, गुलशन है ईरान से थोड़ा सा आगे चल के जाना है आपको। यहाँ पे रश काफी होगा और वॉलेट मोबाइल वगैरह एकदम कस के पकड़ लेना। देखे ये पूरा रॉ मटेरियल का मार्केट है, तो ये अजान के बाद एक्सप्लोर करेंगे। अब देखे यहाँ से अंदर घुसेंगे ना तो ये पूरा रॉ मटेरियल का मार्केट है। देखो ये शेरवानी पठानी वगैरह, फिर लेडीज़ के लिए, मेंस के लिए, मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दिया हूँ। देखे ये शेरवानी के लिए कपड़े चाहिए ना, यहाँ पे पूरा अंदर मार्केट है यहाँ पे। ये देखे ये पैंट के कपड़े, शर्ट के कपड़े, कुर्ते के कपड़े, ये पूरा रॉ मटेरियल है। मुसाफिर खाना बोलते हैं इसको। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ये हमारे अंकल है। देखो इस टाइप बहुत वैरायटी है यहाँ पर। ब्राइटनेस में सही से दिखेगा नहीं, और ब्राइटनेस कम करेंगे तो फिर सही दिखे। लेपर्ड, लेपर्ड प्रिंट, लेपर्ड में कुछ वैरायटी चाहिए रॉ मटेरियल में तो यहाँ पे आ जाना। मैंने यहाँ से 5 लेके गया था पहले, इनके पप्पा थे जब। देखे ये सब लेपर्ड प्रिंट, बच्चे लोग के ड्रेस वगैरह के लिए, दुपट्टे के लिए। देखे ये देखो सामने लेडीज मार्केट है। देखिए अभी मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया तो आपको सही से दिखेगा। ये देखिए ये देखिए पॉपकॉर्न पैंट जो चल रही है ना, पॉपकॉर्न का रॉ मटेरियल यहाँ पे। पॉपकॉर्न पैंट अगर आपको सिलाना है अपने मेजरमेंट से 40-42 की साइज़, तो यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए ना ये कपड़ा मार्केट है पूरा। देखिए लेडीज़ का, ये देखिए आगे कुर्ते वगैरह के लिए। यहाँ पर भी भाई ये देखिए, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये देखे इस तरह के कपड़े, वहाँ पे पठानी के कपड़े सामने, मेंस और लेडीज दोनों हैं यहाँ पे। देखे ये क्या, ये यहाँ पे लाइट ऐसी लगी हुई है ना, पूरा ब्लिंक हो जाता है। देखे ये भाई बैठे हुए। ये देखो अभी चिकन में आपको बताओ, चिकन के कपड़े, चिकन वाइट चिकन, देखिए पूरा वाइट चिकन है, प्लेन वाइट शर्ट वगैरह। ब्लिंक होगा वो संभाल लेना, बाकी तो नहीं हो पा रहा है फिर वीडियो। ये देखिए अंकल, ये देखिए चिकन में यहाँ वैरायटी बहुत है। अगर चिकन में कुछ चाहिए तो यहाँ पे बहुत वैरायटी है, बहुत सारा रेयन चिकन, कॉटन चिकन, नायलॉन चिकन, सब चिकन है यहाँ पे। तो ये देखो ना ये इतनी सारी वैरायटी यहाँ पे, ये सब रॉ मटेरियल है। ये देखे यहाँ पे, तो देखिए पूरा रॉ मटेरियल का मार्केट है। सामने ज्वेलरीज भी है, ये देखिए कुर्ते वगैरह सिलाना हो। यहाँ पे लाइट ऐसी लगी है, सही से दिखेगा नहीं आपको। अच्छा, वहाँ पे भी है डिजाइनर कपड़ा कुर्ता बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे आना आराम से फोड़म फाड़ी करने का, 100 देख के एक लेने के। देखो यहाँ पे चिकन का लाइट ऐसी है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। देखे ये देख रहे ना, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे रॉ मटेरियल। और ये मार्केट, और ये मुसाफिर खाना देखो, ये देखे ना, ये आप चेक कर सकते फिलो नहीं। फिर देखे यहाँ पे कुछ खाने पीने का जंक्शन, ये आप चेक कर रहे हैं। देखो
बड़े थोड़ा सा फटाक से। अभी मैं आपको खिलौना मार्केट दिखा दूँ, यहाँ पे भी है कपड़े का, ये पूरा, लेकिन उसको आखने के बाद चेक करेंगे फिलक्स की। देखिए ये सब इम्पोर्टेड खिलौने वगैरह चाहिए ना, तो यहाँ पे है। देखिए ये वीटी से नियरेस्ट है ये। देखिए इसको तो किसी दिन और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे दोपहर के टाइम, क्योंकि अभी अच्छा नहीं दिखता है। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये देखिए डॉल। अरे भाई बच्चे लोग के लिए सब रिटेल है, सामने भी है। फिर देखा ये मोबाइल का रिपेयरिंग वगैरह का मार्केट, मोबाइल के एक्सेसरीज का मार्केट है। जो चाहिए वो मिलेगा यहाँ पे, चप्पल वगैरह घर में पहनने के लिए सब। और ये देखो ये बाइक चाहिए ना बच्चे लोग की, ये देखो ये देखे यहाँ पे बाइक वाइक भी है, बाइक भी मिल जाती है यहाँ पे, कार वगैरह बच्चे लोग की। हाँ ये देखे ना, और यहाँ पे छतरी, तो ये सब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप आएंगे तो चेक कर लेना, बहुत वैरायटी है। इसको दिन में कभी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बहुत है कार कलेक्शन वालों के लिए यहाँ पे अम्ब्रेला। और देखिए मैं आपको लाइटिंग बताता हूँ, लाइटिंग फॉर लाइटिंग, ये देखो ये लाइट लाइट लाइटिंग। सामने मच्छी मार्केट है, फिर रिटर्न। देखो फिलहाल मैं मुसाफिर खाने के एकदम एंड में हूँ, और यहाँ पे सारे इम्पोर्टेड खिलौने वगैरह, इम्पोर्टेड बाइक वगैरह बच्चे लोग की, फिर एक्सेसरीज वगैरह सब मिल जाता है। और इसको तो कभी दिन में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और अभी सीधा जाते हैं, क्योंकि वहाँ से वो अपना पार्सल लेगा, नहीं तो वो बंद हो जाएगा अभी। तो अभी यहाँ से सीधा बाहर जा रहे हैं, और भी मार्केट है वहाँ पे क्लोथ का, वो भी थोड़ा सा चेक करते हैं। फिर से मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। ये देखिए फिर से मुसाफिर खाने की गली में आ गए हम लोग, यहाँ पे देखे थे ना आप नाश्ता वगैरह। देखिए ये मुसाफिर खाने की बिल्डिंग है, ये देखिए सैंडविच, सामने चिकन वगैरह, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, लेकिन लाइट के वजह से क्या दिखता नहीं है। बेडशीट वगैरह चाहिए, बेडशीट भी है। और देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोर है, वो देखिए पूरा मार्केट आप देख रहे ना, इसको दिन में आके एक्सप्लोर करेंगे कभी अच्छे से। अभी तो रात का टाइम है। देखिए शेरवानी के कपड़े, देखिए शेरवानी का कपड़ा यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये आप चेक कर रहे ना, वो देखो हमारे भाई है, ये आप चेक कर सकते हैं। और देखो ये यहाँ पे भी कपड़े शेरवानी के, और ये मुसाफिर खाना, मुसाफिर रह सकता है अंदर। और देखिए किसी को हज पे जाने के लिए कुछ चाहिए एक्सेसरीज, तो यहाँ पे मिल जाएगी हज हाजी लोग की। बाकी यहाँ पे बोतल वाटर बोतल इम्पोर्टेड, ये सब भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो देखिए ना ये सब रिटेल मार्केट है, ये आप चेक कर सकते हैं। जा नमाज, ये देखे ये ज़रा आप चेक करो, ये देखे हाजियों के लिए वाइट चप्पल। बाकी यहाँ से जूस पी के सीधा पतली गली पकड़ के यहाँ से निकल जाने का अपने को, क्या और ककड़ी चाहिए तो फिर ले लो। अरे भाई सीख पाओ, फिर यहाँ पे भी मार्केट लगा हुआ है, और मोबाइल की बैटरी भी अभी बंद होने वाली है, तो सबसे पहले अपने को AM गारमेंट जाना है, तो अभी चलते हैं AM गारमेंट। देखिए ये जो मैं मार्केट दिखा है ना, इसको दिन में एक्सप्लोर करेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो लाइट के वजह से ना पूरा इफेक्ट ख़राब हो रहा है, फैब्रिक वगैरह भी अच्छे से नहीं दिख रहे ना, खिलौने की दुकानें अच्छे से दिखी, तो उसके लिए कभी दिन में आएंगे। और अभी सीधा जाते हैं AM गारमेंट, वहाँ से हमारा एक पार्सल उठाना है, फिर वहाँ से घर के लिए जाना है। अगेन एक नई चाय ईशा के बाद की, हर नमाज के बाद एक चाय तो कंपलसरी है, ये पानी कम चाय है। और देखिए अभी यहाँ से सीधा जाएंगे स्टेशन की तरफ, देख रहे भाई अभी अभी कैसा है, ये देखे ब्रेसलेट, जस्टिन बीबर यहीं से लेके जाता था मुंबई से। सामने है शूज़ का होलसेल मार्केट, सामने नहीं बाजू की गली में सॉरी, और सामने है जय हिंद रेस्टोरेंट,
और ये भाई जा रहे हैं कैप लगाने, और ये हमारे चाचा बचपन से टैक्सी चला रहे हैं। ये देखिए मार्केट देख रहे हो, मार्केट सामने भी है, और ये भाई बैठे हुए, हाय कर दो हाय। सामने ये देखो यहाँ पे, ये सब तो नॉर्मल है भाई। यहाँ देखो, यहाँ 10:45 बज रहा है, अभी भी मार्केट खुला हुआ है। ये मस्जिद स्टेशन से नज़दीक है, देखे चूड़े ये देख रहे हैं, इधर आप चेक करो, ये देखे काजू बादाम चाहिए ना, सामने बहुत वैरायटी है उनके पास ड्राई फ्रूट्स में। सामने देखिए, सामने स्टेशन है वो गाड़ी आ रही है ना आगे वाली, वहाँ पे देखिए ये कोलगेट, घसना है यहाँ से घस लो। देखो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की लोकल 10:05 हार्बर लाइन से गोरेगांव जाने वाली 12 टिप्पों की धीमी लोकल है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 आलेली लोकल 10:07 12 डब्यांची कल्याणला जाणारी धीमी लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 ही लोकल 10:07 कल्याण जाणे। ओ चचा, ओ चचा, देखो ये देखो।